हेलो एंड वेलकम टू गेट एडमिशन, माय सेल्फ हिमांशु और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारी एक नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज नागपुर वाली ब्रांच के बारे में। तो नागपुर की जो ब्रांच है दत्ता मेघे की, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, ताकि इसकी जो भी मतलब फैसिलिटीज है, यहाँ का जो भी डाउट है आप सभी का वो क्लियर हो जाए, क्योंकि ढेर सारे डाउट होते हैं यहाँ के एडमिशन से रिलेटेड, यहाँ के फी स्ट्रक्चर से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड। तो सारे डाउट इस वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी पार्ट मिस मत करना। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को जरूर जाना। दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज नागपुर, जनरली नोन एज DMMC नागपुर, तो ये कॉलेज 2020 में स्टैब्लिश हुआ था। अभी लेटेस्ट ही स्टैब्लिश हुआ है, ज्यादा साल इस कॉलेज को हुए नहीं है, मतलब ऐसे मेडिकल फील्ड में अपनी पकड़ बनाए। लेकिन आप लोगों को पता होगा दत्ता मेघे की दूसरी ब्रांच भी है, तो इसका जो बैकग्राउंड है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। नई ब्रांच है, नागपुर में है, लेकिन इसकी जो दूसरी ब्रांच है उसका तो बैकग्राउंड काफी ज्यादा अच्छा है, उसका मतलब बहुत ज्यादा नाम भी है अपने पूरे एरिया में। एंड अगर मैं बात करूँ इस कॉलेज के बारे में, तो यार ये कॉलेज एक काफी बेटर अपॉर्चुनिटी एंड काफी नई फैसिलिटीज के साथ नागपुर वाले स्टूडेंट्स के लिए आया है। दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज से ये कॉलेज एफिलिएटेड है, NMC के द्वारा ये कॉलेज प्रॉपरली अप्रूव्ड है। एंड लोकेशन की मैं बात करूँ तो नागपुर महाराष्ट्र के अंदर ये कॉलेज लोकेटेड है। एंड अगर मैं बात करूँ इस कॉलेज के हॉस्पिटल के बारे में, तो देखो इसको हॉस्पिटल अभी जिस हिसाब से नया एस्टैब्लिश हुआ है उस हिसाब से काफी अच्छे से मतलब चल रहा है। 350 बेड्स का यहाँ पे आपको हॉस्पिटल ये देखने को मिलेगा, एंड 300 प्लस यहाँ का पेशेंट फ्लो है पर डे का। तो आप ये जो अपना मैं डाटा बता रहा हूँ उसको अपने ध्यान में रखें एंड समझ सकते हैं कि 2020 में एस्टैब्लिश हुआ है, तो उसके हिसाब से एक ये एवरेज हम इसका पेशेंट फ्लो कह सकते हैं। एंड फैसिलिटीज आपको यहाँ पे सारी देखने को मिलेंगी। एंड इस कॉलेज को रेटिंग मिली हुई है 3.5 above 5, मतलब जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनमें, तो यार ये एक मतलब ऐसा अच्छी खासी रेटिंग भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम इस कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे जरूरी मेरे को तो फीस ही लगती है। अगर आपके बजट में कॉलेज होगा तभी आप इसके बारे में आगे सोच पाएंगे, नहीं होगा तो यार कैसे सोच पाओगे, ऑब्वियसली है ना। तो इस कॉलेज की जो लास्ट ईयर की फीस थी वो थी 20,75,000, बट इस साल वो बढ़ गई, हो गई है 22,50,000। तो इस कॉलेज में आपको काफी ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला है पिछले साल के मतलब इस साल में। एंड अगर मैं बात करूँ इसके इंक्रीमेंट, जैसे 1.5 lakh अप्रोक्सीमेटली इसको यहाँ पे ऐसा पूरा बढ़ावा मिला है पूरी फीस में। तो यार इस चीज़ को आप अपने बजट के अनुसार आप डील करें। अगर आपका बजट है इस कॉलेज को में अपना मतलब आप हर साल इतने पैसे दे सकते हैं, तो यार आप इसको ज़रूर अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि दत्ता मेघे एक काफ़ी अच्छी ब्रांच है, तो आप बिल्कुल अप्रोच कर सकते हैं, बेफिक्र होगे। लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि अगर आपके बजट में नहीं है तो आप बिल्कुल ना जाएं। बढ़ते हैं, अब हम मैं अगर इसकी टोटल सीट के बारे में बताऊँ, तो टोटल सीट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी 216 इस कॉलेज की। पिछले साल की कट ऑफ थी राउंड 1 की, एंड इस साल किसकी कट ऑफ रहने वाली है 219, तो इसकी कट ऑफ भी 200 प्लस ही रहती है। तो आप इस चीज़ से अपना नीट का स्कोर देख के इस कॉलेज में अपना एडमिशन लेने के लिए अपना ऐसा इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका थोड़े बहुत मार्क्स कम है या फिर इस कॉलेज में आपका एडमिशन हो ही नहीं पा रहा है, तो आप गेट एडमिशन को अप्रोच कर सकते हैं। गेट एडमिशन आपकी हेल्प करता है आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन कराने में, तो यार आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप लिंक दिया गया, आप डायरेक्ट व्हाट्सअप करके भी हमें अपने सवाल जवाब करें, बातचीत करें, आप मेल भी कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो आप फटाफट से हमें कॉल करें या फिर जैसे भी ये कॉन्टैक्ट करें, ताकि हम आपके सारे डाउट क्लियर कर पाएं एंड आपका एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में करा पाएं। तो सबसे पहले मैं बताऊं इसका कैंपस काफी अच्छा है। इस कॉलेज के कैंपस टूर आप वीडियोस के थ्रू देख ही रहे होंगे, लेकिन यार इसका ना बड़ा प्यारा कैंपस है, मेरे को नीट एंड क्लीन वाइब्स एंड यहाँ पे ग्रीन इन्वायरमेंट देखने को मिला, तो जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है एंड पढ़ने में भी काफ़ी मज़ा आता है। तो आप इस चीज़ को देख के चल सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ की कुछ फैसिलिटीज़ के बारे में, तो यार देखो हॉस्पिटल की तो फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे सारी मिलने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है मेडिकल से रिलेटेड। उसके अलावा मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे जो मतलब ऐसे स्पेशल है, वो बैंक की फैसिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पे एलुमिनी एसोसिएशन देखने को मिलेगा, गेस्ट रूम देखने को मिलेगा, लाइब्रेरी है, हॉस्टल में मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिम की फैसिलिटीज़ मिलेगी, कैफेटेरिया मिलेगा, ऑडिटोरियम मिलेगा, AC क्लासरूम्स मिलेंगे, शटल सर्विसेज मिलेंगी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिलेगा, वाईफाई इनेबल कैंपस है इसका पूरा, लेबोरेटरीज आपको देखने को मिलेंगी। एंड अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गेट एडमिशन को अप्रोच कर सकते हैं कॉल वॉल करके, हमसे कॉन्टैक्ट करके। तो चलिए आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, धन्यवाद।